so talk about what exactly is meant by matter? matter is anything which yes, has sir. mass and occupies space. so that is what we term as matter. take care. take care. matter is anything which has mass. एंड ऑक्यूपाइज स्पेस ठीक है तो दट इज वॉट वी हैव डेफिनेशन ऑफ मैटर चलिए अब जब मैटर की हमने बात कर ली कि मैटर होता क्या है तो नाउ लेट टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं तो मैटर को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं तो वी हैव मैटर एंड वी क्लासिफाई इट अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। अब स्टेट्स की बात करें चाहे हम उनको फेज बोलते हैं तो वी डिफाइन द फेज ऑफ मैटर जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं देन इन दैट केस हम सीधे सीधे एज सच मैटर की हमारे पास पांच स्टेट्स हैं पांच स्टेट में हमारे पास एक स्टेट आ जाती है प्लाज्मा एक आ जाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अब जब प्लाज्मा की बात करते हैं तो देखो मैं सीधा सीधा यहां पे अभी तुम्हें मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं कि प्लाज्मा होता क्या है प्लाज्मा इज फुली प्लाज्माइज स्टेट ऑफ मैटर फुली आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर विच इज ऑप्टेंड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड नॉर्मली इट इज एट अ हाई डेंसिटी एज वेल मतलब कि इट इज एट अ हाई अरेचर एज वेल एज अ हाई प्रेशर तो वो हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा ठीक है तो प्लाज्मा इट इज एट अ हाई टेम्परेचर सारा का सारा पार्टिकल जितने भी हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हैं सो दैट बिकम्स अ फुली आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर अब इसके बाद ये तो हमारे पास आ गया प्लाज्मा की बात फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जब हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यह बिल्कुल प्लाज्मा का उल्टा है जहां प्लाज्मा में हम बात करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर की वहां पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में हम बात करते हैं बहुत लो टेम्परेचर की इनफैक्ट अप्रोचिंग जीरो केल्विन तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर दूसरी बात यह है कि वह एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है तो इट इज एट एन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एज वेल तो इट इज एट एन एक्सट्रीमली लो प्रेशर इट इज एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एंड इट इज एक्सट्रीमली low temperature the Bose Einstein condensate of plasma -e exact opposite so that's what we had to say about these two and now we are going to talk about the more common states of matter and those more common state of matter are gas liquid and solid अब कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है सबसे पहले तो यह बात समझो कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टेट देयर वी नीड टू टॉक अबाउट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की मैटर के पार्टिकल्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारे पास नो दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दो प्रॉपर्टीज हैं जो नाइन्थ क्लास में बताई गई थी अगर आपको याद हो तो And those properties are the first one. The particles of matter attract each other. Okay? The particles of matter attract screen. Each other. कुछ मत हिलाओ इसे हिलाओ मत ठीक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव एंड देन वी हैव द सेकेंड प्रॉपर्टी जब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं तो दीज टू आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर और ये जो तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहां पर लिखी है दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डिसाइड वट विल बी द स्टेट ठीक है क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्क करते हैं तो जब हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर की अट्रैक्ट इचर की बात करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ट्राइज टू गेट द पार्टिकल्स टूगेदर एक दूसरे को एक दूसरे, इनको एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता है पास लाने की कोशिश करता है इनको पकड़ के रखने की कोशिश करता है वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करता है वॉल्यूम को फिक्स रखने की कोशिश करता है इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रखने की कोशिश करता है इनकी पोजीशन फिक्स करने की कोशिश करता है सो अट्रैक्टिव फोर्स ट्राइज टू मेक द मैटर रिजिड अनमूविंग अनचेंजिंग ऑन द अदर हैंड ये जो मोशन है ये एग्जैक्ट उल्टा वर्क करता है पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है ये पार्टिकल्स को मूव करने की कोशिश करता है उनको फ्लो करने की कोशिश करता है तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैन अपोज करने की कोशिश करते हैं दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब कि कौन सा इन दोनों में से डोमिनेट कर जाता है वी गेट द स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है क्लियर अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनका पर्पस तो हमने समझ लिया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं अब देखते हैं कि ये मोशन कितनी तरीके की है मोशन हमारे पास जब हम बोलते हैं सबसे पहली चीज ये जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है इसे हम बोलते हैं थर्मल मोशन ठीक है दिस थर्मल मोशन इसका जो डायरेक्ट मेजरमेंट है वो है टेम्परेचर तो किसी सिस्टम में टेम्परेचर जितना ज्यादा होता चला जाएगा उसकी थर्मल मोशन उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसे कुछ कहते नहीं है इसकी नेचर की अगर हम बात करें अच्छा एक बात आपके अपने दिमाग में डाल लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स हैं जैसी भी अट्रैक्टिव फोर्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं मतलब कि चार्जेस के बीच के फोर्सेस तो है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बट हम यहां पे इसका कोई अभी नाम दे नहीं रहे हैं हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम और ये जो मोशन है दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इट इज कॉल्ड द थर्मल मोशन ओके सो दैट्स व्हाट वी हैव थर्मल मोशन दैट्स व्हाट वी हैव एस टेम्परेचर अब जब हम इस थर्मल मोशन की बात करते हैं तो थर्मल मोशन दो तरीके की है तीन तरीके की इनफैक्ट पहली वाइब्रेशनल 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 का मतलब वेरी ऑब्वियस है टू एंड फ्रो मोशन एट द मीन पोजिशन ठीक है दैट टू एंड फ्रो मोशन एट द मीन पोजिशन इज टर्म्ड एज द वाइब्रेशनल मोशन वरदान आ रही वरदान चोपड़ा हाँ हेलो ये सब चोकर हाँ जी वरदान बोलो ओके okay. हाँ वरदान कुछ कहना चाह रहे हो बोलो मैं आज कुछ पूछ रहा था उसे और तुम्हारी आवाज कट रही है जस्ट राइट इट सर वो मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहा था Oho, गलत बात है नहीं करना चाहिए लेट्स टॉक अबाउट द वाइब्रेशनल मोशन टू एंड मोशन नाउ इट इज टू एंड फ्रो मोशन एट द मेन पोजिशन दैट इज वॉट वी कॉल एज द वाइब्रेशनल मोशन अब इससे क्या होता है टॉक अबाउट इट लेटर बट टू एंड मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल मोशन देन वी हैव सेकेंड विच वी कॉल एज rotational motion. Rotational motion very obviously it is the movement of the particles around a certain axis. Certain molecular axis agar rotation hoti hai, wo rotational motion. Hai. And third is what we call as translational motion. जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो इट इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स जो भी इसकी सराउंडिंग्स है या दूसरे पार्टिकल्स है उनके रेस्पेक्ट में जब पार्टिकल मूव करता है इसका डिस्टेंस चेंज होता है तो हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं ये तीन मोशन मिलके बताती हैं थर्मल मोशन तो ये तीन मोशन मिलकर थर्मल मोशन बनाती है ये तीनों थर्मल मोशन का पार्ट है और जब इन मोशन के अंदर जो एनर्जी है हां बोलो ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेनल बेटा जैसे यहां पे हमारे पास दो पार्टिकल है ऐसे एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल ये हमने इस पार्टिकल को तो यहीं रखा इस पार्टिकल को यहां कर दिया तो इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल ठीक है और अगर हम इसकी सराउंडिंग की बात करें तो विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी पोजिशन चेंज हो गई तो दैट इज वॉट वी कॉल एस ट्रांसलेशनल मोशन ओके ये तीनों मिलकर बना देती है थर्मल मोशन और इन तीनों मोशन में जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसकी मूवमेंट में कुछ एनर्जी होती है नॉ दिस एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट आई बिलीव आप सबको पता है इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ठीक है सो दिस इज वॉट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी मिस्टर दिगंबर प्लीज आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें मैंने कर दिया है ठीक है तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द काइनेटिक एनर्जी ओके चलिए अब इन एनर्जीज की बात करें अब अस से वी हैव अ सिस्टम इन विच द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज सो हाई That the particles are not able to show any translational motion, they are not able to show any rotational motion. लेकिन अगर आपको कोई बंदा बहुत अच्छी तरह कस के रस्सी से बांध भी दे तो आप बैठे बैठे तो उछल ही सकते हो ना तो the are able to आर एबल टू शो वाइब्रेशनल मोशन बताना। A system in which the attractive forces completely overcome the thermal motion. A system in which the attractive forces completely overcome the thermal motion so that the particles can show The particles but, can show starting sir. the system in which Silver, the, starting, I, I starting bol rahang, bhai, the system in which the attractive forces completely overcome the system in which the attractive forces completely overcome the thermal motion so that so that the particles can show only vibrational motion so that the particles can show only vibrational motion सर सर हाँ, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी तो वाइब्रेट करने की जगह मिल जाएगी पार्टिकल्स को बेटा अगर मैं तुम्हें रस्सी से बांध दू तो भी तुम एक ही पोजीशन पे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ तो मोशन शो कर पाओगे ना नहीं पर मेरे अगर साइड में भी लोग होंगे और हम सब रस्सी से बंधे होंगे तब तो फिर नहीं कर पाएंगे ना सर तब भी कर पाओगे बेटा कुछ मोशन तो मिल ही जाएगा और उस केस में जब तुम वाइब्रेट करोगे तो एक दूसरे को धक्का मारोगे जब तुम धक्का मारोगे जितना ज्यादा तुम वाइब्रेट करते चले जाओगे तुम्हारे लिए स्पेस उतनी बढ़ती चली जाएगी एंड ओवरऑल सिस्टम एक्सपेंड कर जाएगा एंड दैट्स व्हाट वी वी ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व डोंट हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल थर्मल एक्सपेंशन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोई भी सिस्टम अगर होता है तो वो कुछ एक्सपैंड करता है ना दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन ठीक है कोई दिक्कत ओके तो यहां पर और हां एक और बात Oops, oops, oops. Hello. Thank you. हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर हम इसको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाए क्या लिखवा रहा था मैं इफ़ द थर्मल द अट्रैक्टिव फोर्स कंप्लीटली ओवरकम द थर्मल मोशन देन ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज अलाउड ठीक है आगे लिख लीजिए इन सच सिस्टम इन सच सिस्टम the relative position the relative position of the particles relative position of the particles does not change the relative position of the particles does not change which makes the system rigid the relative position of the particles does not change which makes the system rigid comma the average distance. Mm -hmm. hello प्रधान तुम्हारे साथ से सिग्नल बहुत कट रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के बाद रिपीट कर दो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज द सिस्टम बिकम्स रिजिड ठीक है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स also remains the average distance between the particles also remains a constant which makes the volume fixed. क्स द वॉल्यूम फिक्सड ठीक है फुलस्टॉप अब आगे लिखिए असाब्सटेंस विच हैज इसी में आगे लिखो ना असॉबेंस विच हैज अफिक्सड वॉल्यूम साब डेफिनेशन ना सब्सटेंस विच हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप स्टर्म्ड इजर्म्ड अ सॉलिड ठीक है जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो, तो, तो था था, एक बात का ध्यान रखना सॉलिड का मतलब यह नहीं कि उसकी शेप कभी चेंज नहीं हो सकती उसकी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकती बात सिर्फ इतनी है कि इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स शेप और वॉल्यूम अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट सर थोड़ा रिपीट कर दो आई सेड

ठीक है द सब्स्टेंस इन विच द वॉल्यूम इज फिक्स एंड द शेप इज फिक्स इज टर्म्ड अ सॉलिड ठीक है वेन वी से इट हैज अ फिक्स शेप एंड फिक्सड वॉल्यूम इसका मतलब ये होता है दैट इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्सड टिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट मतलब कि वो ग्रेविटी को तो ओवरकम कर जाते हैं लेकिन अगर आप उसके ऊपर जबरदस्ती फोर्स लगाए तो इसकी शेप और वॉल्यूम चेंज हो जाती है ठीक है बेटा रिजिड बॉडी को ही सॉलिड कहा जाता है तो इसलिए रिजिड बॉडी इज सॉलिड क्लियर अब एक बात का ध्यान रखना लड़स से अगर मैं एक स्पॉन्ज की बात करूं तो स्पॉन्ज का मैं शेप बदल सकता हूं मैं उसकी वॉल्यूम भी बदल सकता हूं बाय अप्लाइंग बिकॉज इन वु उसकी शेप है इन इट उसकी वॉल्यूम तो चीजें अपनी शेप और वॉल्यूम को एक नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट होल्ड कर सकते हैं दोज आर कॉल्ड सॉलिड्स ठीक है और सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसमें जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कंप्लीटली थर्मल मोशन को ओवरकम कर जाते हैं सो दैट्स व्हाट वी हैव अ सॉलिड अब लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द लिक्विड ठीक है लिखिए इफ इन अ सब्सटेंस इफ इन अ सब्सटेंस द थर्मल मोशन इफ इन सब्सटेंस द थर्मल मोशन partially overcome if in a substance thermal motion partially overcome the attractive forces so that in addition to vibrational motion so that in addition to vibrational motion rotational motion is also allowed rotational motion is also allowed comma, the particles. The particles can roll over each other. The particles can roll over Every each other. Motion. In addition to the vibrational motion, rotational motion. Rotational motion. Is also allowed rotational motion. Is also allowed the particles are able to roll over each other, particles are able to roll over each other. Full stop. In this case, in this case, the average distance in this case, the average distance between the particles the average distance between the particles remains a constant the average distance between the particles remains a constant अब मैं आपको बोल रहा था अच्छा मैं बता रहा था इन दिस केस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन्स अंस्टेंट हेंस द सब्सटेंस हैज अ डिफिनाइट वॉल्यूम ठीक है तो पहली चीज यहां पर क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल मोशन अलाउड है रोटेशनल मोशन अलाउड है लेकिन रोटेशन भी पार्टिकल्स की पार्टिकल्स के ऊपर हो रही है तो इस वजह से द पार्टिकल्स का एवरेज डिस्टेंस चेंज नहीं होता और अगर एवरेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो द सब्सटेंस हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम ठीक है बट क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं तो उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है ठीक है ये भी लिख लीजिए बट रोलिंग मोशन बट रोलिंग मोशन अलाउज In this case, uh, so in this case, the uh, the average distance between the particles remains a constant. After that, the particle remains a constant. But, but the rolling motion, but the rolling motion allows. the particles to change their relative position, relative position, and the substance, and the substance can flow. And the substance can flow. Okay? Clear? Hence, hence it does not have. Hence, it does not have a definite shape. Okay, full stop. A substance which has a substance which has a definite volume, a substance which has a definite volume, but not but not a definite shape a substance which has a definite volume but not a definite shape that is it can flow that is it can flow and takes The shape of and takes the shape of the base of the container and takes the shape of the base of the container in which it is put is termed

if the thermal motion if the thermal motion completely overcome if the thermal motion completely overcome the attractive forces if the thermal motion Completely overcome the attractive forces, the particle, the particles move absolute independent. The particles move absolute independent of each other, allowing all three motion to take place. All three motion to take place. Full stop The average distance Average distance Between the particles The average distance between the particles Changes and the substance does not have and the substance does not have a definite shape or volume. Full stop. A particle moves in a straight line. A particle moves in a straight line. Till. It encounters. A part the particle moves in a straight line. Till. It encounters. A physical barrier till it encounters a physical barrier which could be which could be another molecule which could be another molecule or the wall of the container full stop such substance such substance occupies the entire volume and takes ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर फुलस्टॉप इट इज टर्म्ड अ गैस तो ये गैस की ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है यह शेप और वॉल्यूम कंटेनर की ले लेता है दैट इज हाउ वी डिफाइन दैस ठीक है अब आपने जो तीन लिख लिए हैं डेफिनेशन सॉलिड लिक्विड और गैस की जस्ट गो थ्रू देम कुछ पूछना है तो पूछ लो नंबर व्हाई डू यू व्हाई हैव यू मी द नोट्स कॉपी ऑफ योर्स हाँ बोलो वरदान सर थर्मल थर्मलान तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है थर्मल सर थर्मल मोशन की टर्म्स में हम आत्मा को कैसे बोलेंगे थर्मल मोशन की टर्म्स में हम अरे भाई गर्डान थर्मल मोशन की टर्म्स में हम प्लाज्मा को कैसे डिफाइन करेंगे सो एक्सट्रीमली हाई थर्मल मोशन एक्सट्रीमली हाई थर्मल मोशन सो मच सो कि उस थर्मल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाते हैं ओके okay. हाँ एंड सर प्ला, प्लाज्मा का एक एग्जांपल दोगे आप प्लीज सन सन इज मेड प्लाज्मा प्लाज्मा तो अगर सन एक... सन एक तो के, अगर 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 के अंदर प्लाज्मा प्लाज्मा अपने Hmm. तो फिर सन वो एक अपनी शेप में में कैसे है वो, वो पूरे यूनिवर्स क्यों Because नहीं होता सन बेटा प्लाज्मा अपने प्लाजमा मोशन बहुत ज्यादा है बट द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एक्सट्रीमली हाई दैट इज इज व्हाई इट नॉट अ गैस थर्मल मोशन इज एक्सट्रीमली हाई इट इज फुली आयोनाइज बट इट इज हैविंग अ वेरी हाई अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी तो उसको होल्ड करके रखे हुए है ना इसलिए वो भाग नहीं पाता तो सर हम कह सकते हैं उसमें फ्लूडिटी है थर्मल्स यस yes, उसके अंदर चला जा रहा है लेकिन उसका शेप नहीं बदल रहा पार्टिकल्स आर फ्लोइंग लेकिन उसका शेप नहीं बदल रहा वो इंटरनली फ्लो कर रहा है तो अब सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए सन की प्रॉपर्टीज देख लीजिए एंड यू विल फाइंड दैट सन इज नॉट अ सॉलिड इट्स अ फ्लूइड पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इट्स गेटिंग चर्न्ड तो सर टैंक कंडेंसेट को आप थर्मल मोशन में कैसे कहोगे? जीरो, नो थर्मल मोशन। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस? फोर्सेस? रेयर बहुत दूर दूर कर दिया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वर्क नहीं कर रहे एक्सट्रीमली लो डेंसिटी सर बोराइन का एक एग्जाम्पल नहीं है कोई एग्जाम्पल तो सर हमें पता भी कैसे है कि वो है, Sir, अगर वो है करने से तो, तो okay. so, इसलिए इससे आगे mention अगर आप करना चाहते हैं पांच स्टेट तो मैंशन कर दिया लेकिन इसके बारे में डिटेल तुम्हारे कोर्स में नहीं है ठीक okay. है आई नो बट आई देन ठीक है चलिए, अब ये हमने बात कर ली अब एक छोटी सी बात और करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि दो पार्टिकल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को थर्मल मोशन ने कंप्लीटली ओवरकम कर लिया तो वो दो केसेस में हो सकता है एक तो थर्मल मोशन इतनी ज्यादा हो गई कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को कंप्लीटली ओवरकम कर लिया और दूसरा यह भी हो सकता है कि पार्टिकल्स को हमने इतना दूर कर दिया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क नहीं कर पा रहे हैं अब अगर हमने पार्टिकल्स को इतना दूर कर दिया है कि अट्रैक्टिव फोर्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो जब हम पार्टिकल्स को पास लेकर आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हो सकता है वर्क कर जाए और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज वर्क कर जाए तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हो सकता है पार्टिकल्स को होल्ड करके एक डेफिनेट वॉल्यूम बना दें डेफिनेट शेप बना दे तो ऐसे सिस्टम में चाहे वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है पर फिर भी उसको हम प्रेशर अप्लाई करके उसको पास लाके लिक्विड बना सकते हैं ऐसे हैं नॉट योर कोर्स ठीक है तो अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बना सकते हैं उसे वेपर कहा जाता है तो वेपर की डेफिनेशन लिख लीजिए वेपर तो ये वेपर से पहले जो आपने थोड़ा बोला था वो उसमें कंफ्यूजन आ रहा है वो रिपीट कर दो लिखो तो सही वेपर की डेफिनेशन अग्सियस सब्सटेंस a gaseous substance which can be liquefied a gaseous substance which can be liquefied by increasing the pressure a gaseous substance which can be liquefied by increasing the pressure while keeping while keeping the temperature constant while keeping the temperature constant is termed is termed a vapor सर uh, so, अगर कोई गैशियस सब्सटेंस है और हम उसका बहुत ज्यादा प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो भी वो गैस ही रहेगा पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव फार्दर अवे अट्रैक्टिव आर गोइंग टू फर्दर डिक्रीज तो अगर वो डिक्रीज कर रहे हैं तो वो गैस ग्यास का गैस ही रहेगा ना ठीक है ओके okay. तो वेपर की हमने डेफिनेशन लिख ली अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस हम उसे कहते हैं प्रॉपर परमानेंट गैस हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो इट बिकम अ लिक्विड इट विल रिमेन अ गैस तो ऐसे को हम गैस बोलते हैं तो वेपर की डेफिनेशन बताना जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया सो दैट्स वी हैव अबाउट द द वेपर्स एंड गैस सर आपने कहा कि गैस को हम प्रेशर चाहे कितना भी इंक्रीज कर दे उसको वेपर नहीं बना सकते उसको हम लिक्विड नहीं बना सकते लिक्विड आपने अभी यहाँ पे वेपर में ही क्योंकि हमने उनका डिस्टेंस बढ़ा दिया तो यहां पे अट्रैक्टिव सब्सटेंस के बीच में कम नहीं थे लेकिन हमने उसके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा कर दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स वर्क नहीं कर पाए क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करते हैं नेचर एंड डिस्टेंस ठीक है ओके ओके सर सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ट अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्स दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ट अबाउट द वेपर्स अब एक छोटी सी बात कोई सब्सटेंस किसी temp, किसी सिचुएशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है एक टेम्परेचर और दूसरा नेचर यानी कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कितने अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं वो ये कि लेट्स से वी हैव टेम्परेचर ऑफ टू नाइन एट केल्विन टू नाइन एट केल्विन पर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड हमारे पास है वॉटर और हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर हम 298 नाइन एट की बात करते हैं तो वी फाइंड सोडियम क्लोराइड इज अ सॉलिड सॉलिड वॉटर इज अ लिक्विड and carbon dioxide is a gas at 298 kelvin why is there a difference between the three the simple reason in tino attractive force is different so in what is the thermal motion here or what is the average kinetic energy of the particles here the answer is all three have exactly the same average kinetic energy because they have same temperature क्लियर लेकिन ये सॉलिड है ये लिक्विड है ये गैस है क्योंकि तीनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम नहीं है एनए में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है विच ओवरकम्स द थर्मल मोशन एंड इट्स अ सॉलिड ओ में अट्रैक्टिव फोर्सेज से कम है लेकिन पार्शली ओवरकम कर पाते हैं तो इट बिकम्स अ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में थर्मल मोशन को अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल भी ओवरकम नहीं कर पाते एंड दैट्स व्हाई इट इज अ गैस ओके ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और क्वेश्चन हो सकता है And that question is, we H2O at minus 10 degrees Celsius. We H2O at 10 degrees Celsius. Or we have H2O at 110 degrees Celsius. At minus 10 degrees Celsius, it's a solid. At 10 degrees Celsius, it's a liquid. And 110 degrees Celsius, it's a gas. एंड प्रिसाइसली स्पीकिंग वेपर तो यहां पर यह तीन में डिफरेंस क्यों आ रहा है यहां पर तीनों में अट्रैक्टिव फोर्सिस सेम है पार्टिकल से तो यहाँ पे सॉलिड क्यों है बिकॉज यहाँ पे थर्मल मोशन कम है यहां पर लिक्विड क्यों है क्योंकि थर्मल मोशन थोड़ी ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन यहां पर गैस क्यों है? क्योंकि थर्मल मोशन बहुत ज्यादा हो गई है तो अट्रैक्टिव फोर्सेज सेम है स्टेट डिफरेंट है तो इसका मतलब है थर्मल मोशन डिफरेंट है अगर टेम्परेचर सेम है और फिर भी स्टेट सेम है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सिस डिफरेंट है तो देखो डिपेंड करता है कि हमसे क्या पूछा गया है अगर आपसे यह पूछा गया कि वाटर है हमारे पास 110 डिग्री 10 डिग्री और माइनस टेन डिग्री पे वाई डेव डिफरेंट स्टेट तो प्लीज ये मत बोलना अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज सेम है थर्मल मोशन डिफरेंट है सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर हम करते हैं सेम टेम्परेचर पे तो यहां पे थर्मल मोशन सेम है अट्रैक्टिव फोर्सेज डिफरेंट है एंड दैट इज वाई द स्टेट्स आर डिफरेंट Is this clear? So the two the substances can have different state because of the difference in attractive forces or thermal motion or both. Is it clear? So yiham ne states of matter And that is how we talk about the classification of matter on the basis of the attractive forces between the constituent particles. अब आपने आज की क्लास में जो भी किया जो भी आपने लिखा या जो भी आपने नोट डाउन किया या जो भी सुना डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग ऑफ इट सर थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है पूछ लू एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दू